हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास स्टीम में ये एरर आ रहा है तो आप इस एरर को कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आपको जो है विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। आप स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में टाइम एंड लैंग्वेज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपके पास यहाँ पर डेट एंड टाइम करेक्ट नहीं है तो आप उसको करेक्ट कीजिए। आपके पास डेट एंड टाइम करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आपके पास इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी यहाँ पर मेरे पास डेट एंड टाइम करेक्ट है, मैं इस सेटिंग को क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कमेंट प्रॉम्प्ट, ओके। फिर आपको इसको राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से कमेंट टाइप करना है, फिर आपको यहां पर एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर एक और कमेंट टाइप करना है, फिर आपको यहां पर एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आप जो है कमेंट प्रॉम्प्ट को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको विंडोज 11 के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, फिर आपको इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर चेंज एडाप्टर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट कीजिए, आप जो भी वाईफाई नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से। उसके बाद आपको इसको राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। फिर आपको प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर, और यहाँ पर प्रीफर्ड DNS सर्वर में आपको इस तरीके से टाइप करना है, अल्टरनेट DNS सर्वर में आपको इस तरीके से टाइप कर देना है। फिर आपको ओके के ऊपर क्लिक कर आपको ऑल सेटिंग्स को क्लोज कर देना है। उसके बाद आप अपने PC को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।